हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं और उसकी डेफिनेशंस क्या है और किस तरह से उसको निकाल सकते हैं, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी। इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट इन फाइनाइट, यानी कि ये जो हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो लिमिट है वो, पहले तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशेंट, जो ये लिमिट होती है ये डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशेंट कहलाती है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, सी प्लस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ सी, जो एक हमारे पास नंबर दिया होगा जिस पे हमें उसका डेरिवेटिव चेक करना है। सी प्लस का मतलब है सी से कुछ पॉजिटिव साइड है, सी प्लस एच, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और लिमिट एच टेंस टू जीरो सी प्लस सॉरी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, आप यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करोगे तो सी से सी कट जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, अगर ये लिमिट हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी एग्जिस्ट करी और फाइनाइट है, देन द लिमिट वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन हमारे पास लिमिट वैल्यू जो होगी वो राइट, वो क्या कहलाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इफ एक्स टेंस टू सी माइनस, यानी सी माइनस, माइनस का सेंस वो क्या करता है, जो सी है उससे कुछ कम नंबर पर, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह फ्रेंड्स सी माइनस एच पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा, आप पुट करके देख सकते हो, सी माइनस एच पुट करोगे सी से सी कट जाएगा और माइनस एच बच जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एस, अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, यानी जो ये वैल्यू जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, अगर ये फंक्शन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी फ्रेंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है उसको हम अच्छे से, और उस डेफिनेशन को और क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो सिंपली लिमिट जो हम निकाल रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी एफ ये जो लिमिट हम निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, अगर ये लिमिट हम हमसे नहीं निकाल पाते हैं तो हम किस तरह चेकेंगे कि जो चेक करेंगे कि फंक्शन है वो डेरिवेटिव है या नहीं, उसके लिए हम पढ़ते हैं। आ फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी एफ, आर एफ डैश सी एग्जिस्ट एल एफ डैश सी एग्जिस्ट एंड आर एफ डैश सी बराबर एल एफ डैश सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एफ सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है वो सी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब फ्रेंड्स राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमने पढ़े थे, यही है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, ये रहा हमारे पास, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये रहे, तो ये हमारे पास अगर एग्जिस्ट करेंगे फाइनाइटली और दोनों इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो पॉइंट सी पर है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट एन इंटरवल, अब फ्रेंड्स हम देखेंगे वो देखेंगे कि कोई फंक्शन है वो डेरिवेटिव है कोई एक इंटरवल में, किसी एक इंटरवल दिया होगा वो इंटरवल ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, तो पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल पर डेफिनेशन।
ना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ये हम किस तरह से करेंगे, आप फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कोई एक ओपन इंटरवल है ए बी। फ्रेंड्स ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे ये इंटरवल है ए बी, अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है ए इसमें शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि इस जो ओपन इंटरवल है उसके हर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है उस ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इन अ क्लोज इंटरवल, यानी कि अब एक क्लोज इंटरवल पे फंक्शन को हम किस तरह चेक करेंगे कि वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। आप फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ए बी, यानी कोई फंक्शन है वो एफ है जो कि ए बी पे डिफाइन है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ओपन इंटरवल में हमारे पास ए और बी को हम इंटरवल में शामिल नहीं करते, लेकिन इसमें ए और बी जो होते हैं वो इंटरवल के पार्ट होते हैं, तो कब कहलाएगा, इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल पे वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। सेकंड आर एफ डैश ए, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ ए पे एग्जिस्ट कर रही है फाइनेटली, और सेकंड हम देखेंगे एल एफ डैश सी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ बी पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है फाइनेटली, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। अब फ्रेंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सो दैट फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट सी बी एनी रियल नंबर, हमने सी को कोई एक रियल आर्बिट्री रियल नंबर मान लिया कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल लाइन पर कोई भी नंबर हो सकता है सी। देन हमारे पास पहले हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एल एफ डैश सी प्लस जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं आर एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो एफ डैश सी प्लस जीरो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, जहाँ पे एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर है कोई। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर सी प्लस एच माइनस ई की पावर सी अपॉन एच, तो यहाँ से हमने क्या किया, ई की पावर सी कॉमन ले लिया फ्रेंड्स, तो ई की पावर सी कॉमन लिया, तो क्योंकि ई की पावर सी प्लस एच को हम क्या लिख सकते थे, ई की पावर सी प्लस एच को हम सिंपली ई की पावर सी डॉट ई की पावर एच लिख सकते हैं, तो वहाँ से हमने ई की पावर सी को कॉमन ले लिया, तो ई की पावर माइनस एच सॉरी ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब फ्रेंड्स ये हमें लिमिट देखनी है, इसको हम डायरेक्टली अगर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वन माइनस वन अपॉन जीरो, यानी कि जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, e की पावर h को हमने खोल दिया, ओपन किया इसको, तो e की पावर h को हमने इसका ओपन किया, तो e की पावर c तो बाहर है, लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर h को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस h अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, माइनस ये वन अपॉन, और ये जो एच है हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से हमारे पास ई की पावर एच ई की पावर सी लिमिट एच टेंस टू जीरो वन से ये वन कट गया, तो ये हमारे पास आ गया एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस, ये चलता गया अपॉन एच यहाँ हमारे पास है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ इसमें से एच को कॉमन ले लिया, तो एच को कॉमन लेने पर हमारे पास ये ई की पावर सी तो बाहर है ही, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, यानी जो एच जो बाहर था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, वन प्लस एच अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलता हुआ एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एच एन फैक्टोरियल प्लस, ये चलता हुआ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू वन है हमारे पास, बाकी वे एच की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और एच से एच कट गया, तो ये हमारे पास ओनली वन बच गया, तो ई की पावर सी डॉट वन बराबर ई की पावर सी, तो यहाँ से हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब फ्रेंड्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे चेक करेंगे,
इसको हम एल एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम देख करेंगे एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ से हमको सी माइनस को हम इसको सी माइनस को सिंपली सी माइनस एच भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एच जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है एक नंबर। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक्स अगर सी माइनस एच पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से हमारे हमने फंक्शन एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइन, चूँकि एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करना है तो ई की पावर सी माइनस एच माइनस ई की पावर सी अपॉन माइनस एच। तो ये हो गया हमारे पास ई की पावर सी कॉमन है हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। अब फ्रेंड्स हमने ई की पावर माइनस एच को ओपन किया तो ई की पावर सी तो बाहर ही था, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन एच, सॉरी माइनस वन की पावर एन डॉट एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और चलते हुए जो लास्ट में हमारे पास माइनस था वो माइनस, तो वन से वन कट गया और ये हमारे पास माइनस एच नीचे है ही, तो ई की पावर सी, और यहाँ से जो बचा हमारे पास वन से वन कटने के बाद एच को हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी हमने माइनस एच को कॉमन ले लिया, तो माइनस एच को कॉमन लिया तो हमारे पास ये तो वन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, तो एच अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलते हुए माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस ये चलता हुआ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास वन ये तो कट जाएगा और यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ई की पावर सी डॉट वन बराबर ई की पावर सी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट है वो है हमारे पास एफ सी, और जो राइट हैंड लिमिट थी वो भी हमारे पास ई की पावर सी थी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ई की पावर सी और ई की पावर सी, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो हमारे पास एफ डैश सी बराबर क्या होगा ई की पावर सी, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट माना था सी पे हमारे पास उसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर सी। बट सी इज एन आर्बिट्री रियल नंबर है, सी जो है वो एक आर्बिट्री रियल नंबर को शो कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। थैंक यू फ्रेंड्स।